22 सितंबर को कांगड़ा में भाजपा की हुंकार रैली को लेकर शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं के वोट बैंक का इस्तेमाल करने का प्रयास कर हुंकार रैली करने जा रही है। भाजपा का यह तरीका बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार बनी थी तब उन्होंने देश के 11 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन किसी को भी रोजगार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा अगर युवाओं से हुंकार भरवाने की जगह रोजगार व स्वरोजगार के टिप्स युवाओं को देती तो बेहतर होता, लेकिन अब प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगने वाली है तो ऐसे में भाजपा युवाओं से हुंकार भरवा कर उनका इस्तेमाल करने जा रही है। देखिए, मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोग जिन्होंने ये कहा था कि हम लोग लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार जो है वो इस देश के अंदर देंगे, तो ये किस प्रकार की और क्या हुंकार उनसे भरवाना चाह रहे हैं आप? उनको हुंकार के बजाय रोजगार और स्वरोजगार के टिप्स अगर देंगे, मैं समझता हूँ तो वो बेहतर रहेगा। अब जब इस महीने आचार संहिता लगने वाली है तो उनसे हुंकार आप भरवाने जा रहे हो, तो ये महज उनका इस्तेमाल एक वोट बैंक के रूप में करने का प्रयास है। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बचाव करते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस के अंदर प्रदेश व देश में शीर्ष नेताओं की पंक्ति में आते हैं। अगर उन्होंने ऑल इंडिया कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जो सुझाव दिए हैं उस पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के अंदर कोई गतिरोध नहीं है जैसा कि बाहर दिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि परिवार में पिता और पुत्र के बीच भी मतभेद हो सकते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेस के अंदर देश में आज जो शीर्ष नेता है उनमें से एक हैं, और उन्होंने अगर इस प्रकार की बात कही है तो उसको सुझाव के रूप में मान करके AICC और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उसके ऊपर अमल करना चाहिए। सर, ये गतिरोध लगातार मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष PCC चीफ में चल रहा है, ये आपको नहीं लगता कि ये चुनाव बिल्कुल सर पर है और ये गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है तो कांग्रेस के लिए कहीं घातक सिद्ध होगा ये चुनाव? ऐसा कोई बहुत बड़ा गतिरोध नहीं है जो बाहर दिखाया जाता है। परिवार में पिता और पुत्र के बीच में भी मतभेद रहते हैं। वहीं परिवहन मंत्री GS बाली और उनके बीच अचानक एक होने के सवाल पर सुधीर शर्मा ने कहा कि बाली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों में शीर्ष मंत्री हैं, वो मेरे बड़े भाई भी हैं और दोनों का साथ दिखना कोई अचंभे की बात नहीं। हाँ, अगर मैं किसी भाजपा के मंत्री के साथ दिखता हूँ तो अचंभा होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा बताते होंगे, पर हमारे बीच कोई मतभेद या गतिरोध नहीं है। बाली जी हमारे जो एनसीएल कैबिनेट हैं उसके शीर्ष मंत्री हैं और हमारे एक कैबिनेट के सहयोगी भी हैं, मेरे बड़ी भाई स्वरूप हैं, और हमारा साथ दिखना कोई अचंभे की बात नहीं है। अगर मैं किसी भाजपा के मंत्री के साथ दिखता तब तो अचंभा होना चाहिए। सर, आप में और बाली जी में गतिरोध जो है वो लगातार देखने में आया, और ये जो जुगलबंदी चुनाव के समय हुई है इसके इसके क्या मायने जो है निकलते हैं? गतिरोध वो कुछ लोग ऐसा मुझे लगता है कि बताते रहते होंगे, हमारे बीच में कभी गतिरोध नहीं रहा। गौरतलब है कि भाजपा की 22 सितंबर को कांगड़ा मैदान में होने वाली युवा हुंकार रैली, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रदेश में युवाओं को संबोधित कर विधानसभा चुनावों के लिए हुंकार भरेंगे। रैली के माध्यम से युवाओं से आह्वान करेंगे कि वे प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार, जो कि भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था व माफिया राज आदि मुद्दों को लेकर युवाओं से कांग्रेस की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का शपथ भी दिलाने की कोशिश करेंगे।